हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, चलिए इसको हम एक एक करके समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है। बातें नहीं होनी चाहिए, बातें मत करो। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, मतलब कभी भी बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या लिखेंगे हेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, और उस ईयर का लिख देंगे लास्ट। प्लस आपको चार कॉलम बनाना है, एक पार्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर, फिर से अमाउंट। इतना क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो अगर उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या ओपनिंग स्टॉक, तो उसको हमको लेफ्ट साइड में लेके आना है। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। और उसको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? और जितना पैसा होगा पैसा उसका लिख देंगे। ठीक है, फिर से अगर उस ट्रायल बैलेंस में मिल गया परचे तो उसको भी लेफ्ट साइड लेके आएंगे और लिखेंगे टू परचे, और जितना अमाउंट रहेगा अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में अगर आ गया है परचेज रिटर्न, इसे लिखा गया लेस रिटर्न, तो जितना परचेज रिटर्न होगा उस पैसे को, मतलब लिखना है लेस रिटर्न और पैसा उसका लिख देना है। तो आप बताइए, सपोज मान लीजिए परचेज कितने का किया है, 50,000। कितने का? 50,000। और रिटर्न कितने का हो गया? 2,000। तो बैलेंस कितना आएगा? 48,000। तो माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 48,000। क्लियर है? उसके बाद से जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे किसमें, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में, तो देखो लिखा है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे। अरे यार, चलिए ध्यान दीजिएगा, जितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे जैसे वेजेस, कैरिज, फ्रेट, आल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री के जितने खर्चे होंगे। क्लियर है? उसके बाद से वेजेस, कैरिज, फ्रेट, ये सभी क्या एक प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर हमको मिल जाए तो क्या करेंगे, हाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे, करेंगे क्या टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और जितने डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे सबका नाम लिख के और एक कट्ठा बैलेंस जोड़ के और यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? बोलो। उसके बाद से फिर से लिखेंगे नीचे टू ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ध्यान देना ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं लिखेंगे। कहोगे सर क्यों? क्योंकि पहले बैलेंस जोड़ेंगे तब पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस लॉस हुआ है। उसके बाद से फिर हम ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन देखेंगे, अगर वहां पे आ गया है सेल तो उसको लिखेंगे बाई सेल, और जितना रुपया रहेगा उसका पैसा लिख देंगे। फिर से क्या वहां पे ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, अगर वहां पर रहेगा सेल रिटर्न तो लिखेंगे लेस रिटर्न, कितना रुपया। तो सपोज मान लो सेल कितने का किया है, 20,000, और आप बताइए रिटर्न कितने का हो गया, 1,000, तो माइनस करके कितना लिखेंगे, 19,000। क्लियर है? उसके बाद से बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना उसमें क्लोजिंग स्टॉक रहेगा किस क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में, उसको कहाँ लेके आना है, राइट साइड में, उसका बैलेंस लिख देंगे। अब होगा क्या सुनना, अब सपोज मान लो हमने जोड़ा, क्या किया जोड़ा, तो इधर आ गया बैलेंस 2 लाख रुपया। कितना आया जी,
2 लाख। आज अब इधर जोड़ा, इधर बैलेंस आया कितना, 1 लाख रुपया। तो आप बताइए पैसा किस साइड पड़ रहा है कम, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। तो क्या करेंगे, जितना कितना पैसा है 2 लाख, इधर कितना आया है तो माइनस करने का कितना बचेगा, 1 लाख। यही पैसा किसमें लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस में, जिसे पता चलेगा 1 लाख रुपए का ग्रॉस लॉस हुआ है। क्लियर है? चलिए अगर मान लो इधर जोड़ा कितना आ गया, 4 लाख, और इधर कितना है 2 लाख, तो 4 लाख में से माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे मान लो इधर ज्यादा और इधर कम, तो पैसा किधर लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में, कितने का, 2 लाख रुपए का। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इसी पे क्वेश्चन है, थोड़ा इसी बेस पे सभी लोग बना के थोड़ा दिखाएं। तो कैसे, यह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है बाबू, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करना, हमको ध्यान देना, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप बताओ क्या है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक कितने का है बाबू, 15,000। तो आप बताइए यह ओपनिंग स्टॉक इस फॉर्मेट के हिसाब से लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड? लेफ्ट साइड। बोलो इतना क्लियर है? तो देखो ए हमने सोल्यूशन में लिख दिया है क्या, 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक रहा है, कितना, 15,000। क्लियर है? बोलो सबको। चलिए उसके बाद से परचेज कितने का है, 80,000। तो आप बताइए मेरे फॉर्मेट के हिसाब से किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड, कितना, 2 परचेज 80,000 से। तो हमने लिखा कितना, 2, देखो यहाँ पे आंसर में देखो नीचे 2, थोड़ा जूम कर लें तो थोड़ा बड़ा दिखेगा और थोड़ा और दूर आना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 परचेज कितना, 80,000। ये समझा रहा था मैं आपको। चलिए उसके बाद से क्या है, सेल। आप बताइए सेल जो है वो क्या है, किस साइड जाएगा जी, किसको? देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, बाय सेल कितना, 1,25,000। क्लियर है? सेल रिटर्न बताओ, लेस हुआ है ना, तो सेल रिटर्न क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न कितना, 8,000। तो आप बताइए घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1,17,000। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला क्या है, फ्यूल, अक्ट्राय, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, रेंट, पैकिंग मटेरियल, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सब क्या है हमारे, क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनको हम एक बार लिखेंगे, तो चलो अभी इसको छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, आ जाते हैं यहाँ पे। खोजे परचे रिटर्न कहीं है, बोलिए जी, परचे रिटर्न कितने का, 5,000 का। तो किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर लिख दिया क्या, लेस रिटर्न कितना, 5,000। तो आप बताओ 80 में से 5,000 माइनस हुए कितना बचेगा, 75,000। क्लियर है? उसके बाद अगला क्या है, ये तो एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस, एक बचा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 12,000। किस साइड जाएगा, राइट साइड। तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया, 12,000। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा हम कम करते हैं इसको यहाँ से, और आप बताइए जब हम लोग पूरा एक्सपेंस जोड़ेंगे ना, फ्यूल, एक्ट्रॉय, रेंट, पैकिंग मटेरियल, ठीक है, वेजेज, एक्सपेंस, ये सब टोटल 22,000 आएगा। कितना आएगा, नहीं कितना आएगा, 20,000।
क्लियर है। अब देखो होगा क्या, जब इधर जोड़ोगे और इधर जोड़ोगे तो बैलेंस क्या आएगा? तो आप बताइए, अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ते हो इसका बैलेंस क्या आएगा? मैं बता रहा हूं कैसे आप बनाओगे इसको। चलो इधर का बैलेंस कितना है बाबू? 1,70,012, यही ना है? 1,70,012,000 टोटल कितना हो गया? 1,29,000। बोलो, लेकिन इधर टोटल 15,75,20, यही ना है? 15,75,20। अल्ट इक्वल कितना आएगा? 1,10,000। तो आप बताइए, पैसा इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो 1,29 में माइनस कर दीजिए कितना? 1,10, तो बचेगा कितना? 19,000। बोलो, यही हमने यहाँ पे देखो प्रॉफिट लिखा क्या? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया? 19,000। तो 1,29,000 इधर भी आ जाएगा और 1,29,000 इधर भी आ जाएगा। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेसी भी मैच करेगा और प्लस पता भी चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है। अरे यार सिंपल है, हमने इनकम कितने का किया है टोटल? 1,29,000। अभी तक एक्सपेंस कितने का किया है? 1,10,000। तो माइनस करें तो बचेगा कितना? 19,000। तो वही तो प्रॉफिट होगा जी। बस सिंपल है, यही देखो यही सलूशन है। देखो इतना इजी है यार। अभी भी डाउट है तुम लोग को? क्या डाउट है बताइए।